हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय नेहा गुप्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें पूरा मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपको अपनी बायो की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करनी है ताकि आपका जो मैजिक स्कोर है दैट इज 70/70 थियोरी पेपर के अंदर आ जाए। और आज मैं आपको बताऊंगी क्या फॉर्मुलेशन करनी है, किस किस दिन में क्या क्या करना है। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डीप डिटेल कि कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। उससे पहले वीडियो पूरी स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सीबीएसई क्या एनालाइज करता है आपके अंदर। वो एनालाइज करते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सबसे बड़ी जो चीज है सीबीएसई के अंदर वो है कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से लूज नहीं करना है। यस आई कैन डू इट, ठीक है, 70/70 यस आई कैन डू इट। सबसे पहले अपने अंदर ये भरोसा लेकर आइए कि आप अपनी जंग के लिए, अपनी जंग के मैदान के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। हम के हमेशा कहते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, ये बात बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब की बात, थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज मिल गई है, सीबीएसई ने आपके ऊपर थोड़ी सी रियायत कर दी है बायो को लेकर। 7 मार्च को आपका है केमिस्ट्री का एग्जाम, उसके बाद आपकी 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आपकी प्रिपरेटरी लीव है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे बायो को लेकर पूरी। आपको 6 दिन का ऑलमोस्ट टाइम मिल गया, बहुत अच्छा टाइम मिला है। इससे पहले तकरीबन मुझे जहां तक याद है तो इतना लंबा गैप नहीं मिला है बायो के अंदर स्पेशली, ठीक है। अब की बार तो आपको बहुत बड़ी एडवांटेज दे दी है सीबीएसई ने, तो ये आप एडवांटेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। और मैंने ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए फॉर्मुलेट कर दिया आज। आप, आई कैन अश्योर यू, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी, 70/70 पक्के मेरी तरफ से बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती आपके मार्क्स कहीं पर डिडक्ट हो। मैं एक एक चीज को खोल के बताऊंगी आपको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, एवरीथिंग बहुत डिटेल में बताऊंगी। 8 मार्च को आपको करनी है अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, 5 चैप्टर्स, कोई भी 5 चैप्टर उठा लो, ठीक है। आपको काफी अच्छा अंदाजा लग गया होगा अपने प्री बोर्ड रिजल्ट से कि ये 5 चैप्टर मेरे बहुत अच्छे हुए हैं, उन्हीं को अच्छी तरीके से ब्रशअप कर लो, उनको और पक्का कर लो कि स्कोप ही ना रह जाए कि मेरे यहां पे मार्क्स कट सके, ठीक है। 9 मार्च को अगेन हमें सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 5 चैप्टर्स उठाने और पूरे उनको करना है। देन अगेन 10 मार्च को हमें सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 6 चैप्टर उठाने और करने, ठीक है। अब ये जो मैं बार बार कह रही हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करनी है, ये करनी कैसे, बहुत बड़ी क्वेरी आती है मेरे पास बच्चों की। रोज आना बच्चे मेरे को कहते हैं मैम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैं करके जाता हूँ, ठीक है। और फिर करने के बाद मेरी वो जो चीज है मैं भूल जाता, मैं सही से लिख नहीं पाता, मैं कीवर्ड्स भूल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसे करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करनी कैसे होती है। ये मैंने आपके लिए एक मॉड्यूल थोड़ा सा तैयार करके रख रखा है, ये आप देखिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कंटेंट को प्रिपेयर करने की 2 स्ट्रेटेजी होती है। एक होता है अंडरलाइन मेथड कि मुझे कोई भी चीज लग रही है इंपॉर्टेंट है उसको जस्ट मैं अंडरलाइन करूंगी, उसको कोई ब्लैक पेन से या हाइलाइटर से किसी भी तरीके से अंडरलाइन कर लूंगी। अब मुझे ये पता है कि इतना पार्ट ना रिलीवेंट नहीं है, ठीक है, वो मेरा डायग्राम से एक्सप्लेन होता है, तो मैं एक एरो भी बना सकती हूँ कि भाई ये मेरा डायग्राम से एक्सप्लेन हो रहा है, मुझे इसको बार बार पढ़ने की, रिकैप्चुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी आपको पॉइंट लग रहा है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये एक ट्रेडिशनल वे है, ठीक है, और काफी हद तक इसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेप्टम का रोल है, ठीक है, ये पेज नंबर 21 है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, तो ये जो है ये वाला कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टेप्टम किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर, किसी भी मॉड्यूलेशन के अंदर पूछा जा सकता है। रोल ऑफ टेप्टम हर एक सैंपल पेपर के अंदर ये है, ठीक है। इस साल का कोई भी सैंपल पेपर आप उठा लो, गुरुकुल का उठा लो, यू लाइक उठा लो, उसके अंदर ये दे रखा है क्वेश्चन। तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैं लिखती हूँ इंपॉर्टेंट, तो ये मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, ठीक है। कोई भी चीज पढ़ी लिख लिया कि ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत कारगर एक ट्रिक मैं बना लेती हूँ कि हाँ, ये अगर कंटेंट है इसको मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक स्टिकी नोट पैड पे
के पेज के ऊपर इस तरह से लगा के रख लेती हूँ, तो मुझे ये पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये दूसरी स्ट्रैटेजी जिसमें मुझे पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टिकी नोट लगाऊंगी, उस पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपना कंटेंट रिफ्लेक्ट कर दूंगी। ठीक है, ये स्टिकी नोट्स आपको मार्केट में इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, ये काफी सारी शीट्स होती है इसमें, ऑलमोस्ट आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी इसमें। तो ये जो है इस तरीके से मैं पेस्ट कर लेती हूँ, और मुझे भी पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मैं अपने फ्लो चार्ट करती हूँ और इसको मैं अपनी लैंग्वेज में अपने पॉइंट्स बना के मैं एनसीईआरटी का ये वाला जो कंटेंट है अपने सीबीएसई के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अपनी आंसर शीट के अंदर पूरा लिख सकती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं डायग्राम्स, अगर कोई डायग्राम दे रखा है तो उसको उसका पार्ट देख लेती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला डायग्राम है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू का पूरा ये डायग्राम दे रखा है, तो ये वाला और ये वाला, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं देख लेती हूँ ये वाले डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ आउटलाइन व्यू दे रखा है एंथर का, तो ये मुझे इतना रिलीवेंट नहीं लगा और ना ही इसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको जस्ट मैं माइंड के अंदर माइंड मैप इसका बना लेती हूँ, आउटलाइन व्यू बना लेती हूँ कि भाई इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी मैं हर एक चैप्टर का आपके साथ डील करूंगी अपनी हर एक वीडियो में। ठीक है, चैप्टर वाइज एक सीरीज बना दूंगी ताकि आपको चैप्टर में पता लग जाए पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। एवरीथिंग आई विल शेयर, ट्रस्ट मी, आप मेरी तरह से प्रिपरेशन करके देखो, यू विल श्योरली गेट द सक्सेस, दैट इज 70/70। ये जो 70/70 है कभी मत भूलना, क्योंकि इसी की बदौलत, ये सोचने की वजह से आपके 70/70 फॉर श्योर बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। अगर मैं बात करूं ये वाला डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी अपने स्कूल का जब प्री बोर्ड का पेपर सेट करा है ना, मैंने इसका लेबलिंग करके पार्ट दे दिया था, ये डायग्राम दिया था, चार लेबल करने के लिए दे दिए थे पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करने का दो तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये स्टिकी नोट अवेलेबल नहीं है तो रशन हश में कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं आप इसको खरीदें, आप छोटे छोटे पेपर यहाँ पे स्टैपल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि अभी एटम मूवमेंट आपको जाके मार्केट से खरीद के ही लाना है, आप कोई भी पेपर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं स्टैपलर की मदद से या किसी ऑल पिन की मदद से। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप हर एक पेज पे इस तरह से लगा लीजिए। एंड आप देखिए, जो चीज आपको पूरे साल लर्न नहीं हुई इसके बाद आपको फॉर श्योर लर्न हो जाएगी। तो ये जो तीन दिन हमारे डिवोटेड थे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं, जैसे मैंने ये चैप्टर अपना कंप्लीट करा, फिर फटाफट तुरंत इसके सारे डायग्राम्स मैंने अच्छी तरीके से बना बना के प्रैक्टिस कर लिए। जैसे ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, एंजियोस्पर्म का, ये जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं मैं अपनी सीरीज के अंदर भी शेयर कर दूंगी। इस तरीके के डायग्राम्स हम बना बना के दो दो बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के बाद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, देखिए हर एक चैप्टर के बैक में ना ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इससे आपको चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाता है किस कंटेंट से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अगर आपने ये क्वेश्चन अपने आप कर लिए, आपकी 60% प्रिपरेशन उस चैप्टर की हो गई है। ठीक है, 60% प्रिपरेशन, क्योंकि इसके अंदर काफी डीप में क्वेश्चन भी पूछे होते हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, तो आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस का अंदाजा हो जाता है कि किस कंटेंट से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से मॉड्यूलेटेड फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाता है। तो इनको करना, बच्चे इसको बहुत लीनियंट लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत ईजी है और आराम से हो जाएंगे, लेकिन नहीं बेटा, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब हम इस बुक को करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी चीज पॉइंट्स की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, जो भी कंटेंट आपका अवेलेबल है पॉइंट्स की फॉर्म में वो अच्छी तरीके से करना है। अब ये कंटेंट कौन सा पॉइंट्स में कैसे अवेलेबल है, ये मैम आप बता दो कि भाई क्या पॉइंट आप कह रहे हो, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट बेस्ड स्टडी के ऊपर था, ये देखिए एपिकल्चर से, ये देखिए पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5,
ये पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चन एपिकल्चर में, क्वेश्चन ये था कि एपिकल्चर कहाँ फ्लरिश होता है, ठीक है, और ये दो नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, बेस्ट सुटेबल प्लेस पूछा था एपिकल्चर का, और नेक्स्ट पूछा था कि कौन सी वैरायटी हमारे देश में मोस्ट कॉमनली उसका कल्टीवेट करा जाता है या उसको उसका प्रोडक्शन किया जाता है या उसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, बी वैक्स किस से करा जाता है। तो ये 3 मार्क का मोटा मोटा क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखें सेकंड पार्ट का आंसर तो यहीं पे बड़ा इटैलिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, एपिस इंडिका, ये बहुत कॉमन स्पीशीज है, ठीक है, हमारे देश की, इंडिका है, इंडिका वर्ड से ही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो ये हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और इससे बी प्रोडक्शन हमारे देश में ज्यादातर करा जाता है। सेकंड पार्ट का आंसर तो ये था। और फर्स्ट पार्ट का जो मैं कह रही हूँ, जो मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दैट ऑफ द बी कीपिंग, वो प्लेस का आंसर यहाँ पे, ठीक है, उसमें 2 नंबर का था तो 2 पॉइंट लिखकर आते हैं, मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कम से कम 4 पॉइंट लिखकर आओ। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2 पॉइंट हमारे आपस में कोरिलेट होते हैं, कोई नंबर नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है चेकिंग होती है आंसर की के थ्रू, कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स दिखने चाहिए मैम को, कीवर्ड से अगर दिख रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। आपकी ग्रामेटिकल एरर कुछ भी हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो कहना चाहते हो वो आपके पॉइंट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये चीजें आपको करके जानी है कि पॉइंट्स में अगर कोई चीज दे रखी है वो मुझे अच्छी तरीके से लर्न करके रिकैप्चुलेट करनी। नेक्स्ट थिंग है अगर टाइम है तो लिखकर भी प्रैक्टिस कर लो, कोई इशू नहीं है। जैसे ये तो मैंने आपसे लास्ट ईयर की बात करी, और कई चीजें होती हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम कभी ध्यान नहीं देते कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, जैसे ये है जेनेटिक कोड, ये भी पॉइंट्स के अंदर दे रखा है, ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये जो पॉइंट्स में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं ना, ये हमें अच्छी तरीके से करके जाने हैं, हमें बहुत कहते हैं ना गुथ के जाने अंदर से, कि हमें अच्छी तरीके से अपने अंदर समा के जाने। पॉइंट्स हम कहीं पे भी दे रखे हों उसको हम लर्न करेंगे, लर्न मीन्स लर्न, ठीक है, और उनको समझेंगे वे ऑफकोर्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जैसे HGP, यहाँ पे अगेन पॉइंट्स दे रखे हैं, तो बेटा यू कांट अफोर्ड टू स्किप दीज पॉइंट्स, ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ आप इनको स्किप कर ही नहीं सकते हो अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कर रहे हो तो। आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से लर्न करने हैं, मेमोराइज करने हैं, रिकैप्चुलेट करने हैं, और अगर आप पॉसिबल है, टाइम अवेलेबल है, इनको लिखकर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन। कि हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रिपेयर कैसे करनी है, हमें अपने शॉर्ट नोट बनाने हैं, हाईलाइट करने हैं, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है जो भी कंटेंट अवेलेबल है पॉइंट्स के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर श्योर एनी क्वेश्चन कैन कम, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले साल भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट जितने भी देखे होते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जी हमारे 3 दिन कवर हो गए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से प्रिपरेशन कर ली, जो आप पिछले 3 महीनों में नहीं कर पाए वो आप इन 3 दिन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे, ट्रस्ट मी, ये आपका इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा ना कि आप देखेंगे आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11th मार्च, 11th मार्च को हमें क्या करना है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मतलब लिखकर प्रैक्टिस नहीं करने है। आप देखेंगे उन क्वेश्चन को कि आप उन क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उन क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं पॉइंट बेस में, कीवर्ड्स उसके हाईलाइट करके कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। और बार बार मैं कह रही हूँ 2014 इज आवर बेंचमार्क, जो भी पैटर्न चेंज हुआ है उसकी स्टार्टिंग हुई है 2014 से, तो हमें 2014 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और वो भी हमें कैसे देखना है, चैप्टर वाइज। कोई भी चैप्टर पढ़ा उसके हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए कि भाई ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमने एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं अब कि ये हम फॉर्मुलेटेड वे में लिख सकते हैं, अपनी आंसर शीट में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये चीज बस हमें देखनी है, ठीक है। 11th मार्च को आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैं एक PDF शेयर कर दूंगी, उसमें 2008 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट ईयर के, ठीक है, आपको कहां तक के करने, 2014 तक के, ठीक है, अगर 2008 तक के कर सकते हैं तो कर लीजिएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2014 के तो आपको डैम शो करने ही करने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 12th मार्च। 12th मार्च को आपको 2014 तक के सीबीएसई के, रिमेंबर माई वर्ड, सीबीएसई के आपको क्या करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी, एक कहते हैं ना अबव लेवल, जो सीबीएसई से भी एक लेवल हाई वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आप वो कर लेंगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगेन 2014 इज आवर बेंचमार्क, ठीक है। तो उस तक के आपको सारे सैंपल पेपर करने हैं, अच्छी तरीके से करने हैं। करने का मतलब बार बार मैं बता रही हूं, टिक कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, टिक करते जाइए, वरना मोबाइल के ऊपर भी आजकल टिक का ऑप्शन आता है, वो करते जाइएगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, सीबीएसई सैंपल पेपर में, या बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट या टाइप करके भेज सकते हैं। मैं उसका आंसर जो आपको सीबीएसई में लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी, क्या फॉर्मुलेटेड वे में उसका आंसर लिखना है वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तुरंत मेरा रिप्लाई आता है, आप उसकी चिंता मत करिए कि बिल्कुल आपको उसका आंसर फॉर श्योर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप रिलाय कर सकते हो मुझ पर। उसके अलावा आपका कोई भी रिलायबल सोर्स हो, आपका ट्यूशन टीचर हो, आपका स्कूल टीचर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आप उस पर भी रिलाय कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए भाई ऑथेंटिक आंसर। मैं बार बार कहती हूँ ऑथेंटिसिटी के पे ज्यादा विश्वास करो, क्योंकि आंसर्स तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, या वो सही भी हैं कि नहीं है, तो ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है 2 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 पैराग्राफ, वो भी 10-10 लाइन्स के दे रखे होते हैं, जिसको पढ़ने में ही आपके 20 मिनट निकल जाएंगे, समझने में अगेन 20 मिनट निकल जाएंगे। तो बेटर है कोई भी आपका रिलायबल सोर्स हो उस पर आप ट्रस्ट करिए। और अब ये जो सीबीएसई सैंपल पेपर है, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाए कि लास्ट सीबीएसई किस तरीके से सोचता है भाई, ठीक है, क्या उसका है भाई सोचने का तरीका, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, किस तरह से पूछता है, वो आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। देन आ जाइए 13th मार्च। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्रूशल डे है। इस दिन अपने को करना है एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ये एग्जाम्पलर क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसी की एक कह सकते हैं सिस्टर बुक है, ठीक है, इसकी बहन है, ठीक है, सिस्टर बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है बेटा, आपके हर एक चैप्टर के अच्छे वाले एमसीक्यू, 1 मार्कर 2 मार्कर सब कुछ उसके अंदर दे रखा होता है, तो आपको मॉड्यूलेशन पता लग जाती है कि क्वेश्चन की मॉड्यूलेशन कहाँ कहाँ से आनी है, ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन आपको काफी अच्छी पता लग जाती है, ठीक है। इसमें आपको फोकस करना है एमसीक्यू के ऊपर, आप सारे क्वेश्चन आपको करके नहीं देखने हैं, आप बस टिक करते जाएंगे कि जी मेरे ये वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आई विल शेयर द लिंक विद यू, ncrt.nic.in पे अवेलेबल है, tiwariacademy.com पे अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है। आप इसके क्वेश्चंस देखिए, कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो क्या करना है आपको, मुझे बताना है कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये आप इसका आंसर मुझे बता दो, आई विल टेल यू। अगर कोई कंटेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बता दो, ठीक है, मैं उसकी वीडियो बना के, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको शॉर्ट में समझाने की उसकी पूरी कोशिश करूंगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी हो गई, लास्ट ईयर क्वेश्चन हो गए, सीबीएसई सैंपल पेपर हो गए, एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू के ऊपर आपने फोकस कर लिया, 70/70 डन, ठीक है। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, सीबीएसई पेपर के अंदर थोड़े से चेंजेस आए, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कि अब की बार थोड़ा सा चेंज सीबीएसई ने करा है। टोटल होंगे हमारे पास 27 क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। ये जो मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ, ये सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, डीओई का पेपर है, ठीक है। सीबीएसई का सैंपल पेपर भी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके पास लेटेस्ट जो डीओई का पेपर भी, हम कहते हैं कि सीबीएसई से पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होता है उसमें सब चीजें, तो मैं आपको लेटेस्ट चीज दिखाना चाहती हूँ। वो तो दिसंबर में आ गया था, उसकी वीडियो तो मैं बहुत टाइम पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये डीओई का पेपर है, 27 क्वेश्चन है, ठीक है। 1-5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे जो कि 1 मार्कर होंगे, सेक्शन बी के अंदर 6-12 क्वेश्चन होंगे जो आपके 2 मार्कर होंगे, सेक्शन सी के अंदर 13-21 जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन होंगे,
देन 22 to 24 ये आपके 3 मार्कर होंगे सेक्शन डी के अंदर. सेक्शन ई के अंदर 25 to 27. अब आपने अगर बहुत ध्यान से देखा हो तो सेक्शन सी और डी में दोनों के अंदर 3-3 मार्कर क्वेश्चन है. ठीक है, अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन है तो इसमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है और ये दोनों के किस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या इसमें सीबीएसई ने जब दोनों ही 3 मार्कर हैं तो अलग सेक्शन क्यों बनाए. ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे 1 to 5 अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहे होंगे बहुत अच्छे. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, मैं इसकी पीडीएफ आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ अटैच कर दूंगी. ठीक है, तो ये 5 आपके क्या है, एमसीक्यूज है. सेक्शन बी के अंदर अगर हम आए 2-2 मार्क के क्वेश्चन हैं सारे. सेक्शन सी के अंदर आए 3 मार्कर क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 13 क्वेश्चन से लेकर आपके 21 क्वेश्चन नंबर. ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सारे 3 मार्कर हैं जैसे पहले आते थे वैसे ही है. जो चेंज आया आपका सेक्शन डी के अंदर आया, ये सेक्शन डी के अंदर अगेन 3 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 मार्कर सेक्शन सी के 3 मार्कर से कैसे डिफरेंट है. तो ये जो चीज है ये यहाँ पे सारे एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एनालिटिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं. अगर आपने कोई कंटेंट पढ़ा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, उसको आप कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, कितना आप उसका निचोड़ ले पा रहे हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, आपके 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों ही 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन डी एड हुआ है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली है कि 3 क्वेश्चन हमारे आएंगे सेक्शन डी में 3-3 नंबर के. एंड सेक्शन ई अगेन दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा. 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 5 मार्क के. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 5 मार्क तक के यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर तक. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, 5 मार्कर्स के आएंगे, जैसे पहले आते थे वैसे आएंगे, कोई चेंज नहीं है. जो चेंज है सेक्शन डी के अंदर है. ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. सेक्शन डी का जितना भी समराइजेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का होगा वो मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के शूट करके बता दूंगी कि कौन कौन से आपको एरियाज कवर करने हैं इस पार्ट को डील करने के लिए. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, किस तरह से हमें स्केड्यूल बनाना है, उस स्केड्यूल को हमें फॉलो करना है. तो आपको अब जो हम कहते हैं मैजिक स्कोर 70/70 वो पक्का आपको डैम श्योर अचीव हो जाएगा. ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और जैसे कि 8th मार्च से मैं कह रही हूँ प्रिपरेटरी लीव की, डे 1 से प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आपका, जो मैं बार बार कह रही हूँ कॉन्फिडेंस लेवल, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चला जाएगा. और जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, प्री बोर्ड्स के अंदर नहीं कर पा रहे थे, वो आप अच्छी तरीके से बोर्ड्स के अंदर कर पाएंगे. एंड एट लास्ट ऑल द बेस्ट, पेपर में आग लगानी है. आग मींस अच्छी तरीके से अपना जो आप पढ़ के गए हो रिफ्लेक्ट करके आना है अपनी आंसर शीट के अंदर. ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स के अंदर डालते रहना. ठीक है, थैंक यू बच्चों.